सूफियों और पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का पीएम मोदी की ओर से एक मिशन चलाया जा रहा है। उसी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज में बहुत भारी तादाद में सूफी और पसमानदा मुसलमान शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। चुनावी सरगर्मियों के बीच कन्नौज का चर्चित चेहरा हाजी हसीन वारसी पसमानदा मुसलमान और सूफियों की भारी तादाद के साथ न सिर्फ भाजपा में शामिल हुए, साथ ही भाजपा प्रत्याशी विपिन दीक्षित की भाभी उषा दीक्षित को जिताने का संकल्प भी लिया। कन्नौज का एक बड़ा चेहरा हसीन वारसी एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। शुक्रवार को वारसी आशा होटल में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हो गए। वारसी के भाजपा में शामिल होते ही कन्नौज की सियासत ने अब नई करवट ले ली है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन चेयरमैन पद के प्रत्याशी ने उनका स्वागत किया है और उनको बीजेपी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। वारसी के सूफियों और पसमानदा मुसलमानों की भारी तादाद के साथ भाजपा में शामिल होने से चुनावी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि अब यहां से सपा और बसपा प्रत्याशी की जीत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गई है। अब देखना यह होगा कि कन्नौज का समीकरण कैसा बनता है और कन्नौज की सीट पर कौन विराजमान होता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जनवरी में ख़त्म हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वो वोट की चिंता के बिना संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी वर्गों से रिश्ता जोड़े। पसमानदा फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है वो जो पीछे छूट गए। साधारण शब्दों में वैसे मुसलमान जो कौम के दूसरे वर्गों की तुलना में तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए उन्हें पसमानदा कहते हैं। उनके पीछे रहने की वजहों में से एक बड़ा कारण जाति व्यवस्था बताई जाती है। पसमानदा शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ग को लेकर किया गया था, लेकिन बरसों बाद इसका इस्तेमाल मुसलमानों के भीतर पिछड़ों अंदर बैकवर्ड कास्ट अनुसूचित जाति और जनजातियों को लेकर होने लगा है। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार अली अनवर अंसारी ने एक बातचीत में कहा था कि वो बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद मजहब के इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत को लेकर बेहद मायूस थे और चाहते थे कि मुसलमानों के भीतर वर्ग की पहचान कर मजहब पर आधारित सियासत को चैलेंज किया जाए। अली अनवर अंसारी ने इसके लिए शोध और फील्ड स्टडी कर एक किताब मुसावात की जंग जिसका अर्थ है बराबरी की जंग किताब भी 1990 के दशक में लिखी। मुसलमानों का एक वर्ग हालांकि समुदाय में किसी तरह के जात पात ऊंच नीच की बात से इनकार करता है, ये कहता है कि इस्लाम बराबरी में यकीन रखने वाला मजहब है, लेकिन सच ये है कि मुसलमानों के भीतर भी जाति व्यवस्था की जकड़ खासी मजबूत है। पूर्व के समय में भारतीय मुसलमानों की जाति व्यवस्था के वर्णन के लिए अशराफ अजलाफ और अर्जाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ करता था। जाने माने समाजशास्त्री इम्तियाज अहमद ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था, अशराफ यानी उच्च वर्ग जिसमें वैसे लोग शामिल हैं जिसके बाप दादा अरब ईरान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, इनमें वो हिंदू भी शामिल हैं जो उच्च जाति के थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी अशराफ समुदाय सवर्ण हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में संभ्रांत समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें सैयद शेख मुगल पठान मुस्लिम राजपूत तागा या त्यागी मुस्लिम चौधरी मुस्लिम ग्रहे या गौर मुस्लिम शामिल हैं। अजलाफ वो मुसलमान जो निचली हिंदू जातियों से धर्मांतरण कर मुस्लिम मजहब में शामिल हुए थे, इसमें धोबी दर्जी हजाम बुनकर या जुलाहे तेली भिस्ती रंगरेज शामिल थे। अजलाब मुस्लिमों में अंसारी मंसूरी काजगर राइन गुजर बुनकर गुर्जर घोसी कुरैशी इदरीसी नाइक फकीर सैफी अलवी सलमानी जैसी जातियां हैं। जातिगत जनगणना के नहीं होने के बाद इस पर किसी तरह का कोई आंकड़ा तो नहीं है कि पसमानदा समुदाय की तादाद कुल मुस्लिम जनसंख्या में कितनी है, लेकिन 1931 की जनगणना के आधार पर जिसमें अंतिम बार जनगणना में जाति को भी गिना गया था पसमानदा समाज से जुड़े लोगों का दावा है कि ये संख्या 80 से 85% तक होनी चाहिए।
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर खालिद अनीस अंसारी के मुताबिक बंटवारे के समय पलायन करने वालों में बड़ा तबका अशराफ मुस्लिमों का था। उस हिसाब से पिछड़ों की जनसंख्या अब और बढ़ी होगी। अंग्रेजी राज कायम होने के पहले की मुस्लिम हुकूमतों के वक्त भी नौकरियों से लेकर ज़मीन दिए जाने तक में कथित अशराफों को तरजीह दी जाती थी। मंडल कमीशन ने कम से कम 82 सामाजिक समूहों की पहचान की थी जिसे उसने पिछड़े मुसलमानों की श्रेणी में रखा था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के मुताबिक मुस्लिमों में OBC जनसंख्या 40.7% है जो कि देश के कुल पिछड़े समुदाय की तादाद का 15.7% है। सच्चर कमीशन ने कहा है कि सरकार की ओर से जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए थे वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जहां हिंदू पिछड़ों दलितों को आरक्षण का लाभ है वहीं ये फ़ायदा मुस्लिम आबादी को नहीं मिल रहा है। पसमांदा समाज का प्रतिनिधित्व करने को लेकर दूसरे कई संगठन भी भारत के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं जैसे ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा पसमांदा फ्रंट पसमांदा समाज वगैरह। पसमांदा मूवमेंट हालांकि नया नहीं है और इसके संदर्भ में आवाज़ें आज़ादी के पहले से भी सुनी जाती रही हैं लेकिन अब ये दक्षिण से लेकर पूर्व तक के राज्यों तक किसी न किसी शक्ल में सामने देखने में आ रहा है या कुछ जगहों पर इसकी तैयारी जारी है। मोहम्मद नाजिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।